मेरे पास जो है 15 से ऊपर ज्वाइनिंग लेटर है मेरे पास, 15 से ऊपर। हाँ ये देखिए, ये अभी आपको एक ऐसे टीचर से मिलवाने जा रहा है जिनका दादाजी पढ़ाई से नफरत करते थे, और अभी जो है ये खुद 15 जॉब इनका ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है, उसको रिजेक्ट करके अभी जो है ये टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, और उसके साथ में जो है जो स्टॉक जो इंटरव्यू लेता है, जो भी सक्सेस लोग होते हैं उनका इंटरव्यू लेता है, उस जो स्टॉक पर इन्होंने इंटरव्यू देकर आया है। और उसमें एक और बड़ी बात है कि ये चंपारण, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में सबसे पहले जाने वाले टीचर हैं, तो आज इनसे मिलवाते हैं आप लोगों को। और इनका नाम हुआ रंजीत कुमार जी, और ये पेटीएम से बिलोंग करते हैं। सर थोड़ा सा जीवनी अपना बताइएगा जो स्टॉक पे आप बताएंगे। आप जीवनी देखिए, पहले जब हम लोग छोटे थे तो पश्चिम चंपारण को मिनी चंबल के नाम से जाना जाता था, उसमें भी खासकर मेरा एरिया जो है नौतन बैरिया क्षेत्र को तो मतलब आड्डा ही कहा जाता था, तो वहाँ पे बहुत सारी परेशानी, कोई भी पढ़ने का नाम नहीं लेता था, तो वहाँ से जैसे तैसे पढ़ाई करते थे, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी योगदान मेरी माँ की थी, और मेरे घर वाले को भी मेरे बाबा को पढ़ाई से नफरत था। उसके बाद बेतिया में भेजा गया, लेकिन वैसी सुविधाएं नहीं दी गई, बाकी जो है साइकिल से रोज आते थे जाते थे। अच्छा, इसमें एक बात और बोले कि आपके दादाजी को जो है पढ़ाई से नफरत थी, ये क्यों नफरत थी? उनको इसलिए नफरत था कि वो अपने 6 बेटे को पढ़ाए हुए थे, तो उस समय 6 बेटा में कोई आदमी सक्सेस नहीं हुए, बाद में मेरे छोटे वाले चाचा जो है सक्सेस हुए, लेकिन उनके रहते भर में कोई आदमी सक्सेस नहीं हुआ, सब लोग घर पर ही खेती में रहने लगे, इसीलिए उनको नफरत था पढ़ाई के प्रति, वो पैसा ही नहीं देना चाहते थे। अच्छा, एक जो है उस इंटरव्यू में आप जिक्र किए हैं कि आपका जो है 3 जॉब लगा था, ये सही बात, ये कैसा था? 3 जॉब नहीं, मेरे पास जो है 15 से ऊपर ज्वाइनिंग लेटर है मेरे पास, 15 से ऊपर। हाँ। ये देखिए, ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि एक ऐसा आदमी जिसके पास 15 से ऊपर ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है, हालांकि ये कोई भी जॉब ज्वाइन नहीं किया, यहाँ पे जो है कोचिंग चला रहे। अच्छा, ये 15 कौन कौन से विभाग के था? 15 में तो रेलवे का 6-7 ज्वाइन था, असिस्टेंट ड्राइवर ALP, और बाकी SSC का 5 बार का रैंकर है CGL का, उसके बाद आपका रेलवे CA में हुआ था, बिहार SSC जो CGL लेवल है उसमें JSC निकला था, और दोबारा बिहार SSC का तो मेंस देने नहीं गए, फिर बैंक में भी क्लर्क में SBI क्लर्क में हुआ था। अच्छा सर, ये बताइए कि किसी के एक भी नहीं आता है, आपके पास 15 ज्वाइनिंग लेटर कैसे आ गया, ये कैसे संभव हुआ? ये संभव कोई भी विद्यार्थी का संभव है, बशर्ते ये है कि वो अपना लगन से पढ़े। एक बार देखिए, होता क्या है कि कोई भी विद्यार्थी जो है, ये 15 जो ज्वाइनिंग लेटर है ये कितने दिनों के बीच की बात है, साल या 2 साल? उसमें समय लगा, मैं जॉब में गया और जॉब में भी पढ़ाई रह कर किए। अच्छा, जॉब ही कर चुके? हाँ। कौन सा जॉब में थे? हम जॉब में अभी भी जॉब में ही है, अभी मैं डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर हूँ। अच्छा। अभी भी SSC CGL के द्वारा जो है डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर के पद पर हूँ, तो रेलवे में गए, वहाँ पर रेलवे में पढ़ते हुए SSC CGL का जो एग्जाम निकाले। यानी बहुत विद्यार्थी का ये रहता है कि गया, एक नौकरी हुआ, उसके बाद जाकर सो जाएगा। आप, मैं बार बार बोलता हूँ कि जनरल कॉम्पिटिशन कोई भी तैयारी करता है तो वह एक मीडियम क्लास फैमिली का रहता है, तो पहले कोई एक जॉब ले लो, फिर जाकर वहां पर पढ़ाई करो, फिर पढ़ाई करोगे, फिर तुमको जो जॉब चाहिए निश्चित रूप से मिलेगा। ये काफी सोचने वाली बात है। अच्छा, ये बताइए कि ये कैसे संभव हुआ? आप बोल रहे थे कि आपके दादाजी जो है पढ़ाई से नफरत कर रहे थे, मतलब ये पढ़ाई के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ जाना, ये कैसे संभव हुआ? सबसे बड़ी तो मेरी माँ का योगदान रहा, क्योंकि जब मेरे पिताजी एक गाँव में मतलब कुछ नहीं करते थे, तो मेरी माँ को लगा कि इसका पढ़ाई छूट जाएगा, तो वो जो है एक रीड संस्था थी उसमें जाकर वो पढ़ाती थी, तो मेरे घर वाले तो बहुत उसको जो है, पिताजी से भी मेरा झगड़ा हुआ, दादाजी भी तो और गाँव वाले बहुत कुछ बोलते थे, लेकिन उसने ये सोचा कि अगर मेरे बच्चे को नहीं पढ़ाऊंगी तो फिर मेरी स्थिति तो वहीं रहेगा। फिर भी जैसे तैसे वो जो है मतलब जो व्यवस्था होता था उसमें बहुत मेरे मित्रों का भी योगदान रहा। एक हमारे सिरलाल भैया है, सोनू भैया, जब चावल वावल का प्रॉब्लम हो जाता था पैसा तो और देते थे। अच्छा। और उसके बाद बहुत सारे जिनका जॉब लग जाता था वो लोग मेरे को किताब देकर जाते थे। अच्छा। अपना सेल्फ स्टडी करना था। ISC के बाद मैंने ISC उसमें कुछ टीचरों ने मुझे फ्री में भी पढ़ाया, मेरी स्थिति को देखते हुए। ISC के बाद मैं घर से एक भी रुपया नहीं लिया, अपना खुद पढ़ाकर और मैंने पढ़ा। अच्छा, अभी जो ये कोचिंग चलाते हैं इसमें क्या क्या सुविधा दिए हैं बच्चों का, क्योंकि आप जो है ये बहुत कुछ झेले हुए हैं। हाँ। तो इसको देखकर इस कोचिंग में क्या सुविधा दिया है उस गरीब बच्चों के लिए? गरीब देखिए, यहाँ पर जो
कोचिंग जो है मेरी वाइफ डायरेक्टर है उसके द्वारा ये संचालित संस्था है, तो इसमें मैंने वही जो भी टीम मेंबर है उनको वही बोलता हूँ कि गरीब बच्चे का एक भी मतलब अगर यहाँ से कोई जाना नहीं चाहिए, लेकिन ये होता है कि कोई भी संस्थान चलाना है तो कुछ तो पैसा की जरूरत होगी, क्योंकि रेंट है, टीचर का पेमेंट है, तो उसमें यही होता है कि जो बच्चे आकर कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, मैं देने में सक्षम नहीं हूँ, तो उसके हम लोग गार्जियन का नंबर लेके बात करते हैं कि बच्चा पैसा लेके तो झूठ तो नहीं बोल रहा है, अन्यथा कह देगा गरीब है पैसा लेके उड़ा दिया, तो उसके गार्जियन से पूछा जाता है, गार्जियन अगर बोलते हैं कि नहीं देने में असक्षम है सर हमारे बेटे को पढ़ा दीजिए, तो बिल्कुल उसको फ्री में पढ़ा दिया जाता है। चलिए अच्छा लास्ट में क्या बताइएगा स्टूडेंट के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो कुछ जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए? मैं आप लोगों से जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनसे यही बोलूंगा कि कभी भी जो है ना अपना नसीब बदलना है तो खुद मेहनत करना पड़ेगा, अगर मेहनत आप नहीं करते हो तो आपका नसीब बदल नहीं सकता है, इसीलिए कहा गया है वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे इंसान वही जो अपना तकदीर बदल ले, कल क्या पता होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपना तस्वीर ही बदल दे। चलिए काफी अच्छी बात कहे हैं सर, चलिए मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जाएं।